हेलो दोस्तों, ये हमारी वॉशिंग मशीन है। आज इसकी अपन सफाई करेंगे। हमने वॉशिंग मशीन लिया था 7.2 kg का, जिसका मॉडल नंबर है पेनासोनिक। इसका जो कंपनी है, ये वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसका जो अंदर का इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें यहाँ से पानी आता है, एक्वाइक स्पिन यहाँ से। ये पूरी टॉप लोड वॉशिंग मशीन आती है। इसका टॉप जो है इधर यहाँ से ऊपर होता, ऊपर की ओर खुलता है, और अंदर जो है इसका पानी का सारा सिस्टम यहाँ लगा होता है। इसके अंदर से आपको पानी झरने की तरह गिरता है, और जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। बट आज हम इसका जो वॉशिंग मशीन का टब है, इसको क्लीन करेंगे, इसकी सफाई करेंगे पूरी, और ये सफाई पूरा आज आपको दिखाएंगे यहाँ से। ये इसको साफ़ करने के लिए पाउडर हमने लेके आए हैं। ये अभी इस पाउडर से इसका पूरा सफाई होगी। इसमें लिखा हुआ है कीप टब स्किल फ्री। तो इसको, ये जो अंदर का टब होता है वॉशिंग मशीन का, जो मैं आपको अभी दिखाया था, ये देखो, ये जो टब है इसका पूरे की सफाई करेगा ये पाउडर। तो अभी इस जल्दी से अपन इसको डाल लेते हैं अपने टब के अंदर। जैसा कि हमने ये पाउडर है इसको पूरा फाड़ लिया है यहाँ से, हमने अभी इसको वॉशिंग मशीन में अपन यहाँ से डाल देंगे। ये एक बार में आधा पैकेट डालना होता है। ये LG पेनासोनिक, मतलब जो भी वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक होती है उसके लिए ये पाउडर है। सेमी ऑटोमेटिक के लिए अलग आता है। जैसा कि आधा पाउडर अपन ने डाल लिया है, अभी कुछ पाउडर बचा है, तो ये अपन अगले बार के लिए काम में लेंगे। तो आप इसे जो है संभाल के रखिए अगले बार के लिए। ये देखो, अपना पाउडर जो है वॉशिंग मशीन के टब के अंदर यहाँ पे दिख रहा है पूरा का पूरा। अपने आधा पाउडर, आधा जो पैकेट था वो यहाँ पे डाल दिया है। अभी अपन इसको क्या है, वॉशिंग मशीन को चालू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को, ये देखो, फ्लैश लाइट के साथ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अपन ने वो जो पाउडर आता है वो व्हाइट कलर में आता है। तो इसमें जो व्हाइट कलर है इसलिए कम दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको अभी इसको चालू करेंगे अपन। तो चालू करने के लिए सबसे पहले इसका जो है ऊपर के टॉप लोड वॉशिंग मशीन है अपनी, तो इसके जो ढक्कन को है अपन बंद कर देते हैं। इसके बाद अपन यहाँ से इसको चालू करते हैं। चालू करने के बाद अपना जो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है उसे चालू कर लेंगे। अब अपन को स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपन को यहाँ पे मेन्यू इसके देखने हैं वॉशिंग मशीन के। आपके वॉशिंग मशीन में जो भी मेन्यू हो वो आप यहाँ से चेक कर लो। तो अपना 0.8 पे है टब हाइजीन। तो अपन को इसका जो टब है वो पूरा क्लीन करना है। तो इसके लिए अपन को टब हाइजीन को यूज लेना रहेगा। तो इसके लिए अपन इसका प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम का जो बटन है, इससे ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे सेट हो जाता है। जैसे पहले प्रोग्राम पे नॉर्मल है, सेकंड पे क्विक है, तो ऐसे करके अपन इसको प्रोग्राम 8 पे सेट करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम 8 है जो टब हाइजेनिक है। तो प्रोग्राम 8 सेट करने के बाद अपन को सीधा यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है उसको प्रेस करके इसको पूरा स्टार्ट कर देना है। तो ये बता दिया अपन को कि 53 लीटर पानी है इसमें यूज करेगा, और इसका जो टाइमिंग है कपड़े धोते टाइम, ये अपन को टाइमिंग भी बता देता है, लेकिन हाइजीनिंग हो रहा है तो ये अपन को टाइम नहीं बता पाएगा। तो जैसा कि आप चेक, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये पूरा का पूरा अभी ऊपर झरने की तरह यहाँ से पानी निकलता है, और ये जो पानी है वो पूरा टब में स्टोर हो जाता है। अभी जो टब में अपने हाइजीन डाला है, जो पाउडर अपन ने डाला है, वो इसको क्लीन करेगा, वो पूरे टब के अंदर अभी फैल जाएगा। तो मैं अभी आपको वीडियो का जो है आगे बढ़ा के आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से जो पानी है वाटर लेवल लेगा, पूरा 53 लीटर पानी इसमें लेगा, और उसके बाद ये अपना जो है हाइजीन करना स्टार्ट कर देगा। तो वो सारा मैं आज की इस वीडियो, ये जो पाउडर है वो LG का अपन ने यूज में लिया है, लेकिन ये पाउडर जो है पेनासोनिक में या फिर जो भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है उसके अंदर आता है। जैसे ये टॉप लोड की मशीन है, ये टॉप लोड यहाँ पे पूरी दिख रही है अपनी, ये वाली वॉशिंग मशीन है। दूसरी वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड की आती है, तो फ्रंट लोड में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आसानी से मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा वॉशिंग मशीन क्लीनिंग के नाम से। और इसका जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे प्राइस वगैरह, यहाँ पे प्राइस उन्होंने हाइड कर रखा है। और इसका जो नेट वेट है 100 ग्राम का है, तो अपन को एक बार में 50 ग्राम ही यूज में लेना होता है। तो अपन इसको जो है आधा यूज में ले लेंगे इस बार में, जो अपन ने डाल दिया है वॉशिंग मशीन में, और बाकी का जो है अपन स्टोर करके सेव करके रख लेते हैं। जिससे क्या है, नेक्स्ट टाइम भी अगर अपन, जैसे कि हर महीने इसको करना होता है, तो एक महीने के बाद दोबारा ये काम में आ जाएगा। अपने टब में पानी ऊपर की ओर आ चुका है, जो नीचे का पूरा वाइट वाइट है जहाँ तक पानी अभी बढ़ चुका है, अभी और बढ़ेगा ये ऊपर। ये जो पूरा टब है जो इसीलिए अपन को दिख रहा है पूरा, ये पूरा यहाँ तक पानी इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो है अब मोटर है इसका, वो घूमेगा और ये राउंड राउंड थोड़ा आवाज़ करेगा, और ये अपना जो टब है वो पूरा हाइजीन हो जाएगा। अभी इसमें पानी भर रहा है, जब तक अपन इसको देख लेते, पूरा पानी इसमें भरा जा रहा है।
यहाँ पे जो मेन्यू दिया होता है उसमें वॉश, मतलब कि अभी वॉशिंग होएगा, वॉशिंग के बाद रिंस होगा, रिंस के बाद स्पिन, स्पिन में जो है कपड़े अपने सूख जाते हैं, जिसका अगर अपन वाटर लेवल यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे 20 लीटर, 29 लीटर, 32 लीटर, 37 लीटर, 42 लीटर मैक्स भी दिया हुआ है, और 53 लीटर इसका मैक्सिमम हो जाता है। सारे मोड अपन को यहीं पे मिल जाते हैं नॉर्मल की, जहाँ पे अपन को बेबी के कपड़े, बेड शीट वगैरह, टब हाइजीन वगैरह सारा यहाँ पे अपन को मिल जाता है। ये देखिए मशीन जैसे चालू हो गई, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो इस तरीके से है, पूरा पानी बार बार मिलता रहेगा, और जो अपना ये टब है वो साफ होता रहेगा। इसके अंदर पानी हल्का हल्का वाइट हो गया है, क्योंकि अपने जो पाउडर डाला था इस पाउडर की वजह से वाइट हो गया है। अभी ये और पानी ले रहा है, ये टब जो है पूरा फुल हो जाएगा, फुल करने के बाद और अच्छे तरीके से चलेगा। अभी पानी इसके ऊपर की ऊपर तक आ गया है, अभी हाफ ये भर चुका है, जो वाइट वाइट इसका जो दिखाई दे रहा था प्लास्टिक उसके ऊपर आ गया, इसी वाले जिससे आ चुका है। अभी ये वाला बॉक्स भी डूब जाएगा इसमें, और फिर ये ऊपर यहाँ तक इसमें पानी आ जाएगा। अभी उसके लिए अपन को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पानी झरने की तरह धीरे धीरे इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि इसमें ये वाटर मतलब कम वाटर कम पानी के ऊपर ही अच्छे से कपड़े धो देता है उसमें से, इस वजह से इसका जो है पानी का जो है झरने टाइप से दिया हुआ है, जिससे धीरे धीरे इसमें पानी गिरता है और पानी भी अपना उसमें बच जाता है। देखिए जैसा कि मैं बता रहा था आपको, इसमें पूरा पूरा पानी ऊपर तक भर जाएगा, अभी यहाँ तक इसमें पानी भर चुका है, और अभी ये हाइजीन के लिए अभी 1 घंटे तक ऐसे कैसे रहेगा पूरा है, उसके बाद लास्ट में ये चलेगा, और चलने के बाद ये हाइजीन होगा। तो उसके लिए अपन यहाँ से मैं वीडियो क्रॉप कर देता हूँ, जिससे क्या रहेगा कि अपन को इतना वेट लंबा वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, और जो पूरी प्रोसेस है वो आपको मैं इसमें लास्ट में बता देता हूँ। अभी देखिए पानी को इधर उधर फैलाने लग गई है, ये काफ़ी टाइम तक यहीं पे रुकी हुई थी, और इसके बाद अभी ये काम करना स्टार्ट किया, अपनी वॉशिंग मशीन ने मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया है हाइजीन टब हाइजीनिंग का, और इस तरीके से ये पूरे अभी धीरे धीरे घूम रही है, थोड़ी देर बाद में ये तेज़ घूमने लग जाती है। तो वो अभी अपन यहाँ से देख सकते हैं, इसमें जो पानी है वो ऑलरेडी पूरा भर चुका है, यहाँ से अभी पानी आना बंद हो गया है, और जो अपना टब है वो हाइजीन होना स्टार्ट हो चुका है। 3 hours later अभी वॉशिंग मशीन ने अपना टाइम कंफर्म कर दिया है, जिसके अंदर ये 90 मिनट्स और अब लेगी, ये टाइम लेफ्ट है ये 90, और ये इसके पास ही जो ये छोटा सा दिया हुआ है इसमें मिनट्स, तो 90 मिनट्स का और टाइम लेगी, तब तक का अपन इसमें वेट कर लेते हैं। अभी 88 मिनट्स और लेफ्ट बता रहा है। A few moments later. सिक्सटी सिक्स मिनट होते ही ये वापस से खाली होने लगी है, पूरा इसने अभी हाइजीन किया है, अभी ये फिर से पानी लगेगी इसके अंदर, इस वजह से अभी ये फ़िलहाल खाली हो रहे हैं, खाली हो रहा है पूरा, ये जो अंदर का टप है ये पानी का लेवल बिल्कुल नीचे जा रहा है यहाँ से, और इसका जो एग्जिस्ट है वो हमने इधर से कर रखा है, यहाँ से पानी जा रहा है इसमें। अभी 65 मिनट हो गया है यहाँ पे, और ये पानी का लेवल बहुत कम हो गया है, अभी इस वाइट वाले पार्ट पे जा चुका है प्लास्टिक पे, वो वहाँ से नीचे की ओर जा रहा है। अभी का जो ये टप है वो अभी खाली हो रहा है, मतलब ये हाइजीन हो चुका है, अभी ये रिंस वाला ये इसका जो वॉश है वो कंप्लीट हो गया है, वहाँ की लाइट ब्लिंक करना बंद कर दिया, अभी रिंस हो रहा है, अभी वापस से सूखेगा, मतलब अभी और साफ़ होना बाकी है, जो भी ये साफ़ होगा उसके बाद स्पिन होएगा, स्पिन होने पे ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सूख जाएगा। तो अभी रिंस
दोबारा से चालू होगा, जिसमें दोबारा अभी पानी लेगी मशीन पूरा। फाइनली पूरा टब खाली हो चुका है। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होने के का एक यही फ़ायदा है, जिसके अंदर अपन इसको टब हाइजीन को अपन लगा के छोड़ देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली पूरा काम कंप्लीट करके वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक पूरा यहाँ से बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, जिससे कि अपन को एक्स्ट्रा लाइट बिजली वगैरह खर्च नहीं होती है। जब अपन इसको अगर पूरी रात लगा के छोड़ देते हैं और सुबह जब उठते हैं तो अपना जो है पावर ये वहीं पर इसका ख़त्म हो जाता है जहाँ पर बंद हो जाती है। अब इसका जो टब है वो सूखने के लिए अभी रेडी हो गया है। अभी ये काफ़ी तेज घूम रहा है इस तरीके से, आप देख सकते हैं इसमें सूखने के लिए भी काफ़ी टाइम से घूम रहा है, काफ़ी टाइम तक घूमेगा इसमें ये। A few moments later. तो गाइस अभी 31 मिनट का टाइम बचा है और ये अभी स्पिन हो रही है, ये लास्ट स्टेप है अपना, जो कि 90 मिनट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरा जो ये टब है वो पूरा हाइजीन हो जाएगा आज। A few moments later. तो जैसा कि हमने देखा वॉशिंग मशीन का अभी सारा पानी जो है पूरा यहाँ से बाहर जा चुका है, जिसके अंदर इस पाइप के थ्रू ये बाहर चला गया है घर से बिल्कुल, और जो वॉशिंग मशीन है वो अपना कंप्लीट हाइजीन हो चुका है, अंदर का पूरा टब साफ हो चुका है, जैसे ये पूरा वाइट पूरा अच्छे तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है अभी। और जो ये स्टील का यहाँ से देख रहे हैं अपन, ये भी बिल्कुल अभी सूख चुका है बिल्कुल साफ होके, और जो वॉशिंग मशीन अपना है वो ऑटोमेटिक बंद हो चुका है, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है तो इसका जो पावर का है ये ऑटो रीस्टार्ट और ऑटो पावर ऑफ हो जाता है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे अब इसने अपना जो सारा कपड़े धोने का या हाइजीन का जो भी काम है वो पूरा कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, जिससे अपन का जो है बिजली का जो है बिल वगैरह नहीं बढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसके रिगार्डिंग। A few moments later. तो हम आज का ये वीडियो अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें अपन ऐसे वीडियो और यहाँ पे ला पाएंगे।